हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुजरात की फेमस पात्रा की रेसिपी, जो कि बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ। और बहुत ही कम तेल और बहुत ही कम आटे बेसन का लगने वाला है। ऐसे आप बनाने जाओ तो बेसन ज़्यादा लगता है, बट हम इस तरीके से बनाएंगे कि इसमें हमारा जो बेसन का आटा है बहुत ही कम लगेगा और बहुत ही क्रिस्पी करा रहे ऐसे हमारे बनने वाले। मैं हूँ दीक्षा, दीक्षा कुकिंग स्टाइल में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नए नए रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन ऑन कीजिए। सबसे पहले मैंने ये अरबी के पत्ते ले लिए, इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था और अभी इसे हमें इस तरीके से भून के, जो मोटी वाली डंडी का हिस्सा है ना, इसे हमें छुरी की मदद से या कैंची की मदद से कट कर लेना है। कैंची की मदद से कट करने जाओगे आप तो बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे से कट हो जाएगा और बिल्कुल भी झंझट से मतलब नहीं होगा। इसमें कोई भी पान वान आपका फटेगा नहीं, एकदम ऐसे कि वैसा हमारा पत्ता रहेगा। ये देखो, आप देख सकते हो इस तरीके से हमने मोटे डंडी सारी निकाल लेनी है। और ध्यान रहे कि हमें वाइट डंडी वाले पत्ते बिल्कुल भी नहीं लेने, नहीं तो हमारी जीभ में जलन सी होगी और थोड़ा सा खिंचाव जैसा होगा। वहाँ पे लाल डंडी वाले ही पत्ते यूज़ करना है, उसी से अच्छे बेटर हमारे मतलब जो पात्रा है बनने वाले हैं। और अभी इसे हमें इस तरीके से राउंड कर लिया है और कैंची की मदद से इसे लंबे लंबे पतले पतले हमें लेट्स में कट कर लिया है। आप देख ही सकते हो इस तरीके से हमें इसे पतला पतला कट करना है, ज़्यादा मोटा बिल्कुल भी नहीं कट करना है। मोटा कट करोगे तो इसका जो टेस्ट है पात्रे का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। ये देखो सारे कट हो चुके हैं और इसे हमने पहले से पानी में वॉश कर लिया था तो अभी वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने इसमें शुगर पाउडर ऐड किया है 1 चम्मच। अब मैंने आंखी वाली शुगर ऐड की है, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, मसाले में ऐड कर रहे हैं हम। और अभी हमने धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ऐड किया है 1 चम्मच के करीबन, और रेड चिली पाउडर ऐड किया है हमने 1 चम्मच, और स्वाद के अकॉर्डिंग हमने नमक ऐड किया है। अजवाइन मैंने लिया है, अजवाइन 1 टेबल स्पून है। हाथों में अच्छे से क्रश करके डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और मैंने ये सौंफ ली है 1 टेबल स्पून, इसे भी हमें हाथों से अच्छे से इस तरीके से क्रश करना है और फिर डालना है। आप चाहो तो इसे बारीक कूट के भी डाल सकते हो। और वाइट वाले 3 मैंने लिए थे, इसे भी इसी में ऐड कर दिया है। इसके बाद में हरा वाला धनिया हमने लिया है, जो बारीक चॉप कर लिया था फाइनली। और अब फाइनली हमने 1 बाउल बेसन लिया है, इसे भी ऐड कर दिया है। सारे मसाले और बेसन हमारा अच्छे से ऐड हो चुका है तो अभी इसमें पानी डालेंगे और इसका हम एक डो कंसिस्टेंसी में लेके आएगा। मतलब ज़्यादा हार्ड डो नहीं बनाना है, थोड़ा सा चिपचिपा सा, यानी कि थोड़ा सॉफ्ट हमें डो बनाना है। देखो आप देख सकते हो 1 कटोरी बेसन में हमने इतने सारे पात्रे बनाने वाले हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। और ऐसे आप एक एक लेयर पे बना के जाओगे तो बहुत सारा बेसन लगेगा। एक कम बेसन में बहुत ही अच्छा नाश्ता हमारा बनने वाला है सुबह के टाइम में। और गुजरात का तो बहुत ही फेमस है और गुजरात में बहुत सारे लोगों को बहुत ही पसंद आता है। इस तरीके से हमें रोल में फोल्ड कर लेना है इसे हाथों की मदद से और स्टीम करने के लिए रखना है। ऊपर से तेल हमने थोड़ी सी डाल दी थी, अभी पानी ऑलरेडी से हमने बॉईल करने के लिए रख दिया था, अच्छे से बॉईल हो चुका है, एक बॉईल भी आ चुका है तो अभी इसे स्टीम करने रख रहे हैं हम स्टीमर के लिए। कम से कम 30 से 25 मिनट के लिए हमें इसे स्टीम करना है। देखो अच्छे से स्टीम हो चुका है, चक्कू भी हमारा क्लीन निकल रहा है, मतलब एकदम परफेक्ट है। गैस का फ्लेम हमें बंद कर देना है। इसे एक प्लेट में हमने निकाल लिया और छुरी की मदद से इसे हमें लंबा लंबा पतला पतला कट करना है राउंड शेप में। ये तो ऑलरेडी राउंड ही है तो हम पतला पतला लेयर कटे करेंगे तो वो राउंड शेप में ही आ जाएगा। आप देख सकते हो इस तरीके से। इसके बाद में ये सारे हमने कट कर लिए हैं, आप देख सकते हो। आप मन चाहे कोई भी शेप में कट कर सकते हो। अभी तेल में हमें गरम करने के लिए डालना है तो ध्यान रहे कि हमारा तेल जो है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गर्म तेल रहेगा तो उसका कलर जो है पात्रे का बाहर से बहुत ही जल्दी अलग गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और अंदर से वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट रह जाएगा। तो गैस का टेम्परेचर हमें थोड़ा सा लो रखना है और तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इस तरीके से उलट पुलट करते हुए हमें पात्रे को फ्राई करना है सोनेरी गोल्डन कलर होने तक की और बहुत ही क्रिस्पी होने तक की। ऐसे करने से गुजरात का फेमस बहुत ही ऐसे मस्त पात्र है हमारे बन के रेडी होने वाला और बहुत ही कुरकुरित। देखो इस तरीके से हमने पात्रे को फ्राई कर लिया है, छलनी में हमें ले लिया है तेल, सारा जितना भी एक्स्ट्रा तेल है सारा नीचे चल जाना चाहिए, इसीलिए हमने एक छलनी का यूज़ किया था। और पात्र में जितना कम तेल यो उतना ही हमारा पात्रा अच्छा लगता है। देखो आप देख सकते हो टेस्टी टेस्टी पास्ता पात्रा हमारा रेडी हो चुका है। वाह कितना यम्मी दिख रहा है, दिखने से तो मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है, बहुत ही यम्मी दिख रहा है। फ्रेंड्स आप जरूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दीक्षा कुकिंग स्टाइल। थैंक यू।